हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, अब गांधी मैदान को हम लोग भरेंगे, ये निर्णय लिया गया है। हम लोगों को आरक्षण को चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इन तमाम आरक्षण के मुद्दों पर हम चाहते हैं न्यायपालिका में आरक्षण हो। तो पूरे समाज अब उनसे ये सवाल ये पूछ रहा है कि आपका जो बहनोई सांसद हैं वो पासवान चौकीदारों को जूस पिला के चले गए, मगर अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे थोड़ी चलता है, आप मूर्ख बना करके दलितों को चल जाइएगा और दलित चुप बैठेगा अपने अधिकारों के प्रति, ये होने वाला नहीं है। उनसे जवाब मांग रहा है समाज, क्यों नहीं सुनवाई की जा रही सरकार, क्यों नहीं हम लोगों की बातों को सुना जा रहा, चौकीदार दफादार के बात को सुना जा रहा है, भारत एससी एसटी का जो आरक्षण का वर्गीकरण की बात है उसके भी खिलाफ में हम लोगों का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। जब तक हम लोगों की मांगों को, हमारे समाज के मांगों को पूरा नहीं हो जाता, लंबा संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, चौकीदार दफादार के जो आश्रित हैं उनकी नियुक्ति हो, ये सरकार जो है बिहार सरकार के जो कुछ लोग हैं जानबूझ करके, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति में पासवान जाति के लोग चौकीदार में ज़्यादा है, तो उनको ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोगों का थाना में कोई दलित बैठे। देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, चौकीदारों के मुद्दे पर आज पटना में बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। गांधी मैदान भरने तक का बात निकलकर सामने आ रहा है, नीतीश कुमार की कुर्सी हिलाने तक की बात आ रही है, लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर चौकीदार संघ की इस लड़ाई में अब आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वक्त हमारे साथ अमर आज़ाद जी हैं, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक हुआ है, इस बैठक में कई चौकीदार के प्रस्ताव भी रखे गए हैं, क्या क्या प्रस्ताव थे और आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों का आज ईवी पेरियार रामास्वामी जी की जयंती है, जिसमें पूरे बिहार के चौकीदार दफादार संगठन के द्वारा आयोजित हुआ है। उनके अध्यक्ष संत सिंह है, रामविलास पासवान जी हैं, तमाम संगठन के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति पासवान चौकीदार के लोगों पर आपने देखा कि लाठीचार्ज हुआ, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, सांसद आया, दो दो चार चार सौ जूस पिला करके दलितों को धोखा दे करके वो लोग चले गए। तो हम लोगों का ये मांग है कि क्यों नहीं सुनवाई की जा रही सरकार, क्यों नहीं हम लोगों की बातों को सुना जा रहा, चौकीदार दफादार के बात को सुना जा रहा है, भारत एससी एसटी का जो आरक्षण का वर्गीकरण की बात है उसके भी खिलाफ में हम लोगों का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं बिहार में, और लाखों की संख्या में सड़कों पर हम लोगों ने लाठियां खाया, FIR दर्ज हुआ भारत बंद में। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, अब गांधी मैदान को हम लोग भरेंगे, ये निर्णय लिया गया है कि नवंबर महीने में हम लोग गांधी मैदान में पूरा भर देंगे और गांधी मैदान में रैली करेंगे, दलित अधिकार के लिए, चौकीदार के लिए, चौकीदार दफादार के लिए और आरक्षण के लिए। निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को आरक्षण को चाहते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इन तमाम आरक्षण के मुद्दों पर हम चाहते हैं न्यायपालिका में आरक्षण हो। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बड़ा अब रैली करेंगे, जिसमें कई लाख लोग बिहार की राजधानी पटना में और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर जुटेंगे। इसके लिए हम लोग तैयारी कमर कस लिए हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बात समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार चौकीदार का जो इतना लंबा संघर्ष निकल कर सामने आ रहा है, आखिरकार और कितना लंबा संघर्ष देखने को मिलेगा? केंद्रीय मंत्री का आश्वासन वो भी फेल, बीजेपी का आश्वासन वो भी फेल, तो और कितना लंबा इंतजार? संघर्ष जब तक हम लोगों की मांगों को, हमारे समाज के मांगों को पूरा नहीं हो जाता, लंबा संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, चौकीदार दफादार के जो आश्रित हैं उनकी नियुक्ति हो, उनके जो पुराना पैटर्न था उनको दिया जाए। एक तो लाठी भी चार दलितों पर किया जा रहा है, पासवान चौकीदारों पर भी किया जा रहा है, उसके बाद आरक्षण का भी वर्गीकरण कर दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो सरकार का जो एजेंडा है दलित आरक्षण विरोधी, उसको पर्दाफाश करने के लिए और जीत हासिल करने के लिए हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे और गांधी मैदान में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग नवंबर के महीने में आए। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे ये मुद्दा आके फंस जा रहा है, कौन सी रणनीति के तहत ये मुद्दा फंस रहा है, या जानबूझकर फंसाया जा रहा है, इस मुद्दे को टाला जा रहा है कि चुनाव आ जाए, आचार संहिता लागू हो जाए? बिल्कुल, ये सरकार जो है बिहार सरकार
कि जो कुछ लोग हैं जानबूझ करके, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति में पासवान जाति के लोग चौकीदार में ज़्यादा है, तो उनको ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोगों का थाना में कोई दलित बैठे चौकीदारी ग्राम में, जो पहले फ्री में करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, अब इनको तो हम लोग को सिंपल सा मांग जो पहले था वो मांग रहे हैं, और तो हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम उनके कितने बेरोजगार हो गए हैं, सब लोग हो गए, जिसमें फ्री था उस समय तो सरकार, और वो समझ में नहीं आया, अब जब सैलरी मिल रहा है, लोग चाहते हैं कि एक चौकीदार हम लोगों का था उसको दे दिया जाए, तो इसके खिलाफ में ये सब हैं। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, पूरे आज बैठक भी हुई है और हम लोग रैली करेंगे नवंबर में। लेकिन चिराग पासवान तो पासवान समाज के नेता कहलाते हैं, उनका भी वादा फेल हो रहा है, जबकि मोदी के हनुमान बने पूरे भारत में घूम रहे हैं। चिराग पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब सरकार जो पूरे समाज उनसे ये सवाल ये पूछ रहा है कि आपका जो बहनोई सांसद हैं वो पासवान चौकीदारों को जूस पिला के चले गए, मगर अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे थोड़ी चलता है, आप मूर्ख बना करके दलितों को चल जाइएगा और दलित चुप बैठेगा अपने अधिकारों के प्रति, ये होने वाला नहीं है। उनसे जवाब मांग रहा है समाज कि जो उनके सांसद थे वो आए थे जूस पिलाने के लिए, तो कहाँ गया अभी तक, चूँकि खुद मुख्यमंत्री से जाके मिले थे, तो क्या हुआ इसका, समाज को बताना चाहिए क्या इसका परिणाम हुआ, मुख्यमंत्री ने आपको क्या जवाब दिया, मुख्यमंत्री ने आपको क्या पत्र दिया। ये बिहार के पूरे दलित पासवान चौकीदारों का सवाल है। देखिए अमर आजाद जी को आप सुन रहे थे, अमर आजाद जी लगातार तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और एक बार फिर से चौकीदारों का मुद्दा जो गरमाया है उसको लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं और सीधा सीधा सरकार को चेतावनी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।